नमस्कार, आप देख रहे हैं CDTV24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सनम सर। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। बसंत पंचमी पर्व पर धार की भोजशाला में सूर्योदय के साथ मास वाग्देयी सरस्वती का पूजन और हवन प्रारंभ हो गया। भोजशाला में भोज उत्सव समिति एवं हिंदू संगठनों द्वारा सूर्योदय से सूर्यास्त तक दर्शन पूजन एवं हवन कर 4 दिवसीय बसंत पंचमी महोत्सव मनाया जाएगा, जिसको लेकर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़ी संख्या में धार सहित जिले भर से श्रद्धालु सूर्योदय के साथ ही भोजशाला में दर्शन पूजन के लिए पहुंचना शुरू हो गए। इसको लेकर भोज उत्सव समिति द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। भोज उत्सव समिति के हेमंत दौराया ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष 988 युवा भोज उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें बसंत पंचमी पर सूर्योदय से ही दर्शन पूजन हरण शुरू हो गया। श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में सुबह से ही पहुंच रहे हैं और दर्शन पूजन कर यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। बसंत पंचमी के उत्सव को लेकर भोजशाला परिसर के आसपास तथा भोजशाला के अंदर आकर्षक सज्जा भी की गई है। भोजशाला को भगवा ध्वज से पाट दिया गया है। वहीं 9 बजे हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने भी व्यापक इंतजाम किए। भोजशाला और पूरे धार शहर में लगभग 600 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही अश्वरोही दल भी लगातार भ्रमण कर रहा है। भोजशाला के अंदर और बाहर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। इंदौर रेंज DIG चंद्रशेखर सोलंकी और अन्य पुलिस अधिकारी लगातार भोजशाला और शहर में नजर बनाए हुए हैं। वहीं दोपहर में लालबाग सर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें एक सुसज्जित पालकी पर मां वाग देवी का तेल क्षेत्र भी शामिल था। धर्मसभा के मुख्य वक्ता और बसंत उत्सव के आज के कार्यक्रम के अतिथि कपिल मिश्रा, पूर्व विधायक दिल्ली से जी, शोभा यात्रा में शामिल थे। शोभा यात्रा में सैकड़ों युवा हाथों में भगवा ध्वज लहराते हुए चल रहे थे। शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए शोभा यात्रा भोजशाला पहुंची, जहां मां वाग देवी के तैल चित्र को परिसर के अंदर ले जाकर महाआरती की गई। इसके बाद मोतीबाग चौक में धर्म सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता कपिल मिश्रा ने कहा कि प्रदेश के म्यूजियम में मौजूद मां वाग्देवी की प्रतिमा जल्द ही भारत आएगी और भोजशाला में स्थापित की जाएगी। भोजशाला के लिए चलाया जा रहा आंदोलन और सत्याग्रह जल्द ही सफल होगा। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन भी किया गया। आज बसंत पंचमी माँ सरस्वती की पूजन का पवित्र दिन है और मेरा ये सौभाग्य है कि आज धार में भोजशाला में मुझे माँ सरस्वती की पूजन आरती शोभा यात्रा में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैंने यहाँ पर जो आंदोलनकारी रहे हैं, संघर्ष समिति के सदस्य रहे हैं, उनसे भी मुलाकात की है और सबका संकल्प, सबका समर्पण, सबकी तपस्या यहाँ देखने को भी मिली। और किस प्रकार से एक जगह पर जहाँ पर कभी शायद पूजा करना संभव ही नहीं था, प्रवेश करना भी संभव नहीं था, आज वहाँ पर हफ्ते में एक दिन पूजा हो रही है। बसंत पंचमी का भव्य हवन, भव्य पूजन, भव्य आरती हो रही है, दर्शन हो रहे हैं। और ये संकल्प कि यहाँ पर जो भव्य प्रतिमा
महाराजा भोज के द्वारा स्थापित की गई थी और आज ब्रिटिश म्यूजियम में है, उसको वापस लाया जाए, सरस्वती का भव्य मंदिर यहाँ पर बनाया जाए और साधना का, अध्ययन का जैसा केंद्र धार कभी हुआ था, हुआ करता था, वैसा दोबारा बनाया जाए, उस संकल्प का आज मैं भी हिस्सा बनाऊं, ऐसा मेरा सौभाग्य रहा है और मुझे लगता है कि सभी लोगों का ये जो सपना है ये अवश्य पूरा होगा। मध्य प्रदेश में केंद्र में बीजेपी की सरकार है, क्या प्रयास किए जा रहे हैं मूर्ति लाने के लिए? देखिए, केंद्र की सरकार के द्वारा भारत की जो भी कलाकृतियाँ और मूर्तियाँ पिछले 1000 साल के दौरान बाहर गईं, खास तौर पर ब्रिटिश म्यूजियम में, स्विस म्यूजियम में, अमेरिकन म्यूजियम में जो कलाकृतियां और मूर्तियां रखी गई, उनको लाने के परिणाम भी अब दिखने लगे हैं। देवी अन्नपूर्णा की भव्य मूर्ति अभी पिछले महीने ही वापस आई है, 52 और कलाकृतियां वापस आई हैं और मुझे लगता है कि इस प्रकार के प्रयास जिनके फल अब दिखाई देने लगे हैं सरकार के द्वारा, उसी में माँ सरस्वती की ये प्रतिमा भी अवश्य वापस आएगी। डेफिनेटली है गौशाला की मुक्ति यहाँ के साधक आराधक पिछले 700 सालों से आंदोलन के द्वारा कर रहे हैं। 1952 से तो उस आंदोलन में विजय भी मिलनी शुरू हो गई है। वो सभी अधिकार जो पहले कभी सपने में भी नहीं सोचे जा सकते थे, आज वो अधिकार सच बन चुके हैं। साधना यहाँ पे होने लगी है और मुझे लगता है कि पूर्ण मुक्ति और भव्य मंदिर जिसका सपना यहाँ पे देखा गया है, जैसे अयोध्या में, मथुरा में और काशी में देखा गया है, वो भी आंदोलन, साधना और समर्पण के द्वारा निश्चित पूरा होगा।